Abaya, oh. Hello guys, welcome back to the channel, welcome back to the new episode. So दोस्तों आज बहुत ही exciting हो रहा है क्योंकि आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा marketing करने में कैसा होता है. So हम जाएंगे 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी पर मार्केटिंग करने चलेंगे. हमने एक भी ड्रेस चेंज नहीं किया, एक भी ड्रेस चेंज नहीं बदला. तो आज मैं जे ऐसे ही जाएंगे मार्केटिंग करने के लिए, तो इतना दूर नहीं है. सो अपना ही गांव समझो ये अभी जाने वाला जो है, एंड ये जो है अपना गांव समझो. और अभी हम जाएंगे बाज़ार, तो ऐसे भी रोज़ होते हैं, रोज़ बहुत दिनों के बाद जाएंगे, फिर बहुत दिनों के बाद मिलने जाएंगे बाज़ार से. बैग वगैरह तो हम घर से लेके नहीं जाएंगे, उधर ही खरीद लेंगे. तो 10 रुपये 20 रुपये ठीक क्या उधर ही ले लेंगे. एंड हम ऐसे फ़ायदा हो जाएंगे क्योंकि मेरे पास गाड़ी नहीं है. एंड क्या है भाई, ऐसे उम्र में मार्केटिंग करना पड़ता है, क्या ज़िंदगी है. देखो अभी का सीज़न में इन लोग भी कुछ खाने का नहीं है, पूरा ड्राई सीज़न है ना इसलिए. हेलो गाइस, देखो भाई हमारे चेहरा को देखो, इतना पसीना निकलता है, इतना पसीना निकलता है पूरा. आप परेशाना पड़ा, बहुत तकलीफ हुई यार. थोड़ा जाने के बाद पहुँचेगी, कम से कम इतना दूर नहीं है भाई पहुँचने के लिए. पर हम जाने वाला है इधर पहुँच के. और ये देखो भाई खूबसूरत. तो गाइस हम आ गए हूँ यहाँ पर, यहाँ से सबसे गाड़ी मिलता था. तो कहीं जाना है तो इधर ही हम लोग 3 साल 4 साल पहले इधर ही रुका करता था. और अभी इस वक्त हम लोग छोटा गाड़ी है, तो मार्केटिंग करने के लिए हम भी चलेंगे. तो घर में कोई भी नहीं है, इसलिए मार्केटिंग करना पड़ता है. और घर से निकलने में बहुत देर हो गया मैं, इसलिए लगभग पहुंचने में थोड़ा देर लगेगा. और आप लोग देखते रहे वहाँ का जो नज़ारा है. भाई कई दिन से हम भी सोचा था मार्केटिंग करो, लेकिन फिर भी टाइम नहीं मिला, तो आज मिला है फिर से फिलहाल फाइनली. सो आज हम आप लोग से पूरा क्या ना एकदम अच्छा व्यू के साथ दिखाएंगे कि मार्केटिंग करने में गुंजुंग बाज़ार में जाएंगे. सो हम लोग तो गुंजुंग में ही मार्केट करता है मार्केटिंग. गुड मॉर्निंग दोस्तों वंस अगेन, अभी और यहाँ पर गुंजुंग बाज़ार में हो. और फिलहाल और मैं ना इस तरफ जाने के बाद मार्केटिंग करेंगे, तो इधर थोड़ा टाइम लगेगा. सो आप सब लोग यहाँ का व्यू और नज़ारा देखो भाई, कितना मज़ा आता है. देखो भाई इस तरह से नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है. एंड बहुत खुश हैं आज मैं, मार्केटिंग करेंगे यहाँ से शुरू करेंगे. सो वाओ अभी नया बदला है, सो वेरी एक्साइटिंग भाई, बहुत आदमी ज़्यादा है. एंड चले हम भी आज से मार्केटिंग करते हैं. ये है भाई लोकल डाव. एंड यहाँ पर इमली बढ़ रहा है और बीन्स वगैरह सब्जियाँ सब इस तरफ से आपको देखने को मिल जाएंगे सब्जियाँ बोलने से. वाह इस तरफ से खपरा और आगे जाके आप लोगों को देखा दूँगा. अभी थोड़ा समय के लिए हम इधर रुक जाता है, सो थोड़ा देर के बाद मार्केटिंग करेंगे क्योंकि अभी अभी आया तो रेस करने के बाद मार्केटिंग करेंगे. इस तरफ से आपको नज़ारा देखने को मिल रहा है बहुत ज़्यादा भी, दैट्स वाई कि बीच बीच में थोड़ा दिखाने के लिए थोड़ा दिक्कत लगेगा. और इधर एक मछली वगैरह मांस वगैरह तब भी बिक्री करता है. तो देखो इधर भी ब्रॉयलर है, ये है ब्रॉयलर. एंड इस तरफ भी देखो, ये देखो भाई यहाँ तो पहुँचते हैं ये. सबसे पहले तो ये गुंजुंग बाज़ार जो है बहुत पुराना हो गया, लगभग कि बहुत साल हो गए, 20 साल से 30 साल से ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए बहुत पुराना देखने में ऐसा लग रहा है. पहले तो हम यहाँ पर टोमेटो वगैरह एंड केरला वगैरह बीन्स वगैरह और ब्रिंजल वगैरह सब इधर मिलता है. ये देखे पहले हम इधर मार्केटिंग करेंगे. अब भैया ओ ना बोला बिल्ली जा टोमेटो ला हर्षा हर्षा टोमेटो बिल्ली जा दुआ मस्त है यार. भैया केरला कितना किसी में किसी में कितना ये हाँ 360 इसको आधा किलो दे दो, आधा किलो दे दो. ये टोमेटो टोमेटो कितनी किसी में कितना 30 अच्छा इसको भी लेना है. एंड देख सकते हैं भाई इधर बहुत लाइन में है सब्जी वगैरह, जहाँ पर सबसे अच्छा है वही पर लेगा मैं.
हाँ देख टेक्निक का हिसाब से तो यही सबसे यही बार बेहतर है ये देखिए भाई ने प्लास्टिक दे दिया और हम केरला सो आपको दिखाने के लिए एक हाथ से मतलब डाल रहा है केरला जो है और अभी फिर लेना है आलू कितना अरे भाई आलू कितना मिलेगा खींचे पंद्रह टका भाई इतना सस्ता से मिल रहा है लेकिन आलू खराब होने वाला है ये बहुत पुराना हो गया ये देखिए तो गाइस एंड यहाँ पर आलू वगैरह प्याज वगैरह और टोमेटो वगैरह सब हम ले लिया तो सब्जी के लिए मार्केटिंग हो गया और अभी हम बाकी दाल वगैरह सब लेना है ठीक है थैंक यू इतना डिस्काउंट किया हम यहाँ से बहुत ज़्यादा लिया है इसलिए तो गाइस हमने बहुत सारा सब्जी लेने का बाद हम मुझे याद आया कि धनिया बकौर डालने से बहुत सब्जी में मज़ा आता है खाने में तो वही चलिए हम वही ले लेता है जितना भी मार्केटिंग के इधर सब है लेना है धनिया बकौर अब भैया धनिया कितना है चलिए इसको लेना है हम ओके भैया अब कितने का बोला सो गाइस मार्केटिंग करने का बाद बहुत ही पसीना निकल गया है अभी थोड़ा हम यहाँ पर बिस्किट वगैरह सब लेना है बहुत ही टाइम लग गया मार्केटिंग करने में तो बैग में आपको देखने को मिल रहा है अभी बिस्किट लेना है इतना देर से नहीं रुकेंगे हम फिर हम सीधा जाएंगे अपने घर ये दो ले लिया और वो देख रहा है ना उधर हम जाएंगे फाइनली जो है बहुत ही सारा लोग था पहले तो अभी पूरा चला गया है बाज़ार बंद होने वाला है भाई कितने बजे में बाज़ार बंद होता है ये सारी डॉस ठीक है भाई ये गंजोंग बाज़ार में इतना जल्दी बाज़ार बंद हो जाता है तो बताने क्या इतना क्यों जल्दी बंद होते हैं अभी मैं पूरा मार्केटिंग कर लिया बिस्किट वगैरह ले लिया और फिर हम घर अभी घर वापस आने का समय आ गया अकेला ही जाएंगे यार अकेला आया अकेला जाएंगे आने में जब छोटा घर में आया फिर जाने में कौन सा घर में जाएंगे हम भी अभी तक पता नहीं चल पाया एंड देखिए सबसे खुशी का बात तो ये है कि इधर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है पूरा अभी अभी यहाँ पर पकने वाला क्या क्या है भैया ये क्या बनाया पकौड़ा ये तो इतु क्या है ये हाँ क्या वेराइटी है रे बहुत अच्छा अच्छा वेराइटी बनाता है ना हाँ बहुत बढ़िया तो आप कहाँ से हैं आप लोग लंका से ओ खुद का गाड़ी से आया या कोई बाजार का गाड़ी में आया ना तो बहुत बढ़िया भाई इसे खाने को मिल रहा है इधर कभी आएगा तो यहाँ पर आइए मंडी का बाज़ार होता है यहाँ पर सो देखे इधर ही रूट है ये देखे इधर लंका में जाने वाला रास्ता और फिर इधर से हफूँ जाने वाला रास्ता तो गाइस इस तरह से हम पहले बार रात को टाटा मोबाइल में जाएंगे और ये देखे यहाँ पर पीछे में इसी गाड़ी में ही हम जाएंगे सामान वगैरह तो हम फिट नहीं किया डब्बे के अंदर नहीं डाला तो आपको देखने को मिलने वाला है तो आज में हम कैसे जाते हैं टाटा मोबाइल में ये देखो भाई टाटा मोबाइल ये और ये जो है रास्ता अभी बन रहा है बहुत ज़्यादा आदमी होगा शायद इसलिए बन रहे होगा तो गाइस हम पीछे का रास्ता में देख रहे हैं आप सब सामने या पीछे में हम क्या बोल सकते हैं हम जाएंगे तो देखने को मिलने वाला है रास्ता टाटा मोबाइल का नज़ारा तो बहुत उछलता है ये हमको डर तो लगेगा अच्छा से पकड़ना पड़ेगा ये तो सब हम लोगों का बस्ती का एकदम पार्क उसके बाद जाने वाला है देखो ये गाड़ी में आया था और हम ये सामान वगैरह को उठा के फिर वापस आ गए यहाँ पर घर में पहुँचने के लिए 15 मिनट बाकी है एंड हेलो गाइस वेलकम बैक फिर से हम आ गए अपने गांव में और फिर आप लोगों ने देखने का बहुत पसंद आ गया होगी पता चल गया होगा कि हम अभी कहाँ जा रहे और गाड़ी से उतर के हम फिर गाँव वापस जाने वाले आप लोगों ने इस वीडियो को कैसा लगा भाई उम्मीद है पसंद आ गया होगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप लोग कैसा लग रहा है